हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर 12 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए निर्वाचन विभाग द्वारा तैयारियां की जा रही है। वहीं शिमला के पोर्टमोर स्कूल में आज चुनाव में लगे कर्मचारियों की पहली रिहर्सल करवाई गई और कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। ट्रेनिंग में रिटर्निंग ऑफिसर शिमला शहरी भानु गुप्ता और चुनाव पर्यवेक्षक भी मौजूद रहे। एसडीएम शिमला शहरी एवं रिटर्निंग ऑफिसर भानु गुप्ता ने बताया कि करीब 500 कर्मचारियों को आज सुबह 3 घंटे चुनाव प्रक्रिया की ट्रेनिंग दी जा रही है। कर्मचारियों को बताया गया है कि ईवीएम मशीन कैसे काम करती है और वीवीपैट उसके साथ कैसे अटैच किया जाता है, इसकी जानकारी कर्मचारियों को दी जा रही है। 2 सेशन में 500-500 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाए जा सके। देखिए, जो ये हमारे इलेक्शन से रिलेटेड आज पहली रिहर्सल है, जिसमें लगभग हमारे 500 कर्मचारी फर्स्ट बैच में आए हैं, जो आज 10 से 1 बजे तक ये ट्रेनिंग हमारी चल रही है। इसमें जितनी भी बेसिक जो ट्रेनिंग है, चाहे वो पोल प्रोसेस को लेकर के है, पोलिंग अफसर, प्रेजाइडिंग अफसर, APRO की क्या क्या ड्यूटी रहती है, उससे रिलेटेड आज ये रिहर्सल रखी गई है। तो इसमें जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से और जो हमारे वीडियो के माध्यम से और जो डिटेल्ड में पूरा जो है इनको बताया जाएगा कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रेजाइडिंग अफसर की, APRO की और पोलिंग ऑफिसर की रहेगी, कंप्लीट पोलिंग पार्टी कैसे पोल के दिन काम करेगी, और इसके साथ साथ जो हमारी EVM की डेमोस्ट्रेशन है, जिसमें हमने जो ट्रेनिंग की EVMs हैं वो भी ट्रेनिंग हॉल में इनके डेमोस्ट्रेशन के लिए रखी है, जिसमें हैंड्स ऑन जो है इनको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरह से हमने जो है EVM को ऑपरेट करना है, किस तरह से EVM काम करती है, कैसे VVPAT उसके साथ लिंक होता है, और जो डिफरेंट कनेक्शंस जो हैं, चाहे वो CU है, BU है, चाहे VVPAT है, उसके किस तरह से होते हैं। तो आज कंप्लीट जो है ये लगभग 3 घंटे की ट्रेनिंग हमने रखी है, जिसमें हमारा ये फर्स्ट सेशन रहेगा, और जो सेकंड सेशन है हमारा वो 2 से 5 रहेगा, जिसमें भी लगभग हमारे 500 के आसपास कर्मचारी सेकंड सेशन में भाग लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी हमारा पोल प्रोसेस होता है, उसका कैसे प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है, किस तरह से जो है पोलिंग करवानी है और EVMs को कैसे हैंडल करना है, वो सारी ट्रेनिंग आज पोलिंग पार्टीज को दी जा रही है इसमें।